start the Solanaceae family. Solanaceae is also known as potato family. And इस टाइम भी मैं यही बोलूंगी, जस्ट क्लोज योर आईज एंड कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए, ठीक है? लाइक सोलेनेसी फैमिली फैम टॉकिंग अबाउट, तो दिमाग में लाओ कि मैं किस चीज़ को एज्यूम करूँ. तो लाइक टोमेटो प्लांट, पोटैटो, एग प्लांट, धतूरा जो आप डे बाई डे देखते हो, टोबैको, टोबैको का प्लांट जो होता है. तो वेन एवर यू टॉक अबाउट ना सोलेनेसी फैमिली, तो आप इन सब के फ्लावर्स को ध्यान में लाओ, ठीक है? एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला, उसके बारे में, उसके थोड़े बहुत जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी होता है व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट द फैमिली. तो आंखें क्लोज करके आपके दिमाग में बस यही लेकर चलना है, ठीक है? द मेन जो चीज़ है इसका वो है पोटैटो, ठीक है? तो नाउ व्हाट इज सोलेनेसी? तो सोलेनेसी इज अ पोटैटो फैमिली. दूसरी बात कि इसमें कितने जेनरा, कितनी स्पीसीज पाई गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप डेटा हर जगह अलग अलग होगा. 102 जेनरा अभी तक मैंने देखा है, कहीं मैंने 109 भी पढ़ा है. एंड स्पीसीज ऑलमोस्ट 2500 स्पीसीज आर फाउंड इन सोलेनेसी फैमिली. एंड इसमें पोटैटो, टोमेटो, अच्छा बेल पेपर्स, ठीक है, बेल पेपर्स वो भी इसी में आ जाते हैं. एंड मार्च चल रही है तो मैं बता दूं कि बेल पेपर्स जो होते हैं विटामिन ए एंड विटामिन सी इनरिच होते हैं, इसलिए इसको खाने में जरूर इंक्लूड करो, ठीक है? नाउ डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करती हूँ कि इसकी हैबिट कैसी होगी, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. सेकंड इज रूट. रूट मोस्टली इसका क्या होगा, टैप रूट होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे मोनोकॉटिलेडन्स है. एंजियोस्पर्म में दीज आर द मोनोकॉटिलेडन्स, ठीक है? नाउ थर्ड इज स्टेम. स्टेम एरियल हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, एरेक्ट हो सकती है, हर्बेशियस हो सकती है. नेक्स्ट इज लीफ. लीफ सिंपल हो सकता है, ऑल्टरनेट पैटर्न में हो सकता है, कई बार पिनेटली कंपाउंड हो सकता है, एक एक्सिस से पांचों तरफ निकलना. एंड वेनेशन जो हो सकता है रेटिकुलेट, मोस्टली रेटिकुलेट वेनेशन देखा गया, ठीक है? इनफ्लोरेसेंस क्या होगा इसका, साइमोज इनफ्लोरेसेंस देखा गया इसका, ठीक है ना? एंड सॉलिटरी फ्लावर्स. अच्छा अब हम बात करते हैं सीड इसकी कैसी होगी. तो सीड इसकी होगी एंडोस्पर्मिक सीड. मोनोकॉटिलेडन्स जो होते हैं वो हमेशा एंडोस्पर्मिक ही होते हैं मोस्टली, ठीक है? अब अगर हम बात करें जो मेन चीज है वो है इसके फ्लावर्स की, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे कि सोलेनेसी फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है वो है क्या. तो जस्ट सी, ई ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोसियम 5 है, एनगैनिसियम 2 है, ठीक है ना? अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको, सबसे बाहर से शुरू करते हैं. अच्छा मदर एक्सिस की जब हम बात करते हैं ना, तो हम जो इस एक्सिस पे ये जो फ्लावर यहाँ पर है ना, ये होता है मदर एक्सिस. दिस इज द मदर एक्सिस जो मैं यहाँ दिखाती हूँ ना, मदर एक्सिस, दिस इज व्हाट वी कॉल द मदर एक्सिस. विद रिस्पेक्ट टू दिस मदर एक्सिस हम फ्लोरल के जो भी ऑल फोर अपेंडिसेस हैं उसको हम विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स के साथ डायग्रामेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द फ्लोरल फार्मूला. पहले भी बता चुकी हूँ मैं. तो नाउ सी, पहले मैंने कहा कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है, दैट्स मीन कि इसके पास एक्सिस ऑलमोस्ट मोर देन वन एक्सिस है इसके फ्लावर के पास, और वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्टिनोमॉर्फ, ठीक है? दूसरा है ई ब्रैक्टियोर. अच्छा एक चीज होती है, ये है मान लो पेडिसिल, ठीक है? ये पेडिसिल है, तो पेडिसिल के एंड पे ना एक छोटी सी रिड्यूस लीफ देखोगे आप, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है? एंड यहां पर देखना फ्लावर के जस्ट नीचे, यहां से मान लो फ्लावर हमारा शुरू हो रहा है, तो फ्लावर के नीचे भी जस्ट देखोगे दो, इससे थोड़े से बड़े टू लीफ आपको दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट, ठीक है? तो ना तो इसमें ब्रैक्ट्स होते हैं और ना ही ब्रैक्टियोलेट होते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई ई ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक. बाइसेक्सुअल इसलिए क्योंकि इसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों ही पाए जाते हैं. आप देखो कैलिक्स 5 है, ठीक है ना? बट दे आर फ्यूज्ड, ठीक है ना? नाउ सी कैलिक्स कितने हैं हमारे, 5 है, एंड मोस्टली ये ग्रीन कलर के ही होते हैं. सी दीज आर द कैलिक्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कैलिक्स के बाद आपका आ जाता है कोरोला. कोरोला भी कितने हैं हमारे, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3,
फोर एंड फाइव, ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये देखो मैंने कहा कि दे आर गैमोसेपलस एंड इसका भी लगाने का मतलब क्या है, दे आर गैमोसेपलस, दैट्स मीन दे आर अटैच्ड। ठीक है जी, नाउ दिस इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम भी हमारे कितने हैं, फाइव। कितने एंड्रोसियम हमारे, फाइव है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड्रोसियम। ठीक है, अब इसमें जो खास बात है, ये जो हमारा होता है एंड्रोसियम एंड आप जो ये देख रहे हो पेटल्स, ये होते हैं फ्यूज्ड, इसलिए हम इसको बोलते हैं एपी पेटल्स। एपी पेटल्स, ठीक है, एपी पेटल्स कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मोस्टली जो ये वाला ग्रुप है ना, इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो बेल शेपेड होते हैं। मान लो मैंने फ्लावर को ये ओपन किया, जैसे धतूरा का ही फ्लावर ओपन करोगे ना, तो आपके इसकी जो ये ट्यूब है ना, ठीक है, यानी ये जो आपके पेटल्स की ट्यूब है, इसी से आपको अटैच दिखेंगे एंड्रोसियम। ये जो पेटल्स की ट्यूब है, यहां से नीचे से आपको दिखेंगे कि एंड्रोसियम आर अटैच्ड। चूंकि ये पेटल्स के साथ हमारे एंड्रोसियम अटैच्ड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एपी पेटल्स। तो देख लो आप यहाँ पे है ना पेटल्स, इन दोनों के बीच से देखो इनकी जो ट्यूब है, जो गैप ट्यूब है, पेटल ट्यूब है, यहां से देखो आपका एंड्रोसियम निकला होगा। ठीक है ना, यहां पे भी देखो वैसे ही, यहाँ पे भी देखो वैसे ही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दैट्स व्हाई इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ना एपी पेटल्स को, तो हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स मीन कि जो हमारे पेटल्स हैं उसके ट्यूब से क्या है हमारे, वो जब आप धतूरा का अगर फ्लावर होता मेरे पास, तो आई वुड हैव शोन यू कि वो जब आप उसको ओपन करोगे ना, फनल शेप की जो होगी, उसके नीचे देखना आप, पेटल्स के नीचे देखना, एंड्रोसियम वहां से अटैच्ड होते हैं। ठीक है ना, तो लाइक वाइज मैंने क्या कहा, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया आपका, एंड एंड्रोसियम भी हो गया। मैंने दिखा दिया कि ये साइन क्यों देते हैं हम, बिकॉज इट इज एपिपेटलस। एपिपेटलस का मतलब भी बता दिया कि पेटल्स के ट्यूब के साथ, पेटल्स के ट्यूब से वो जुड़े हुए होते हैं एंड्रोसियम मेल पार्ट। ठीक है ना, नाउ हम बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम में देखिए नीचे आपका क्या दे रखा है, डैश है, दैट्स मीन ओवरीज सुपीरियर, ठीक है ना, एंड टू है ओवरीज बाइकार्पेल, ठीक है ना, टू है देखो बाइकार्पेल। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी गाइनोसियम है, देखो बाइकार्पेल मैंने दो लोग दिखा दिया ना आपको, तो एंड हम क्या बात कर रहे थे कि गाइनोसियम इज बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर, तीन बातें हो गई इसके बारे में। एंड एक लॉक्यूल एंड दो लॉक्यूल, ईच लॉक्यूल हैज मैनी ओव्यूल्स, ईच लॉक्यूल, एक लॉक्यूल में आपको बहुत सारे ओव्यूल्स दिखेंगे, जो एज ए सीड आपको दिखने वाले हैं, तो बहुत सारे लॉक्यूल्स हैं और उनमें बहुत सारे ओव्यूल्स दिखने वाले, मोर देन वन से लेके 50 तक ओव्यूल्स आप उसमें देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारे गाइनोसियम, ठीक है। कैलिक्स की बात हमने करी ली कि फाइव कैलिक्स है, गैमोसेपलस है, परसिस्टेंट है। अच्छा एक बात और, वाल्वेट एस्टिमेशन, वाल्वेट एस्टिमेशन मैंने पढ़ाया था कि वाल्वेट एस्टिमेशन होता है जो मार्जिन टू मार्जिन सिर्फ पेटल्स टच होते हैं, दैट इज नोन एज द वाल्वेट एस्टिमेशन, मार्जिन टू मार्जिन टच होना। तो कैलिक्स में मोस्टली देखा गया है कि वाल्वेट एस्टिमेशन पाया जाता है। कोरोला क्या है, पांच है, गैमोपेटलस है एंड वाल्वेट एंड इम्ब्रिकेट। तो कोरोला एंड कैलिक्स दोनों में ही आपने बोला वाल्वेट है, लेकिन इन केस ऑफ पेटल्स आप इम्ब्रिकेट भी देखा गया है, एंड टोटल एस्टिमेशन मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है। तो दिस इज व्हाट, देख लो ये हो गया मदर एक्सिस वंस अगेन, पांच आपके हो गए सेपल्स, पांच हो गए पेटल्स, ठीक है, पांच हो गई आपकी एंड्रोसियम, एंड आपके हो गए बाइकार्पेलरी गाइनोसियम। दो लॉक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ईच लॉक्यूल के अंदर में मैंने कहा कि बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, 1 to 50 ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे फ्लोरल डायग्राम की बात। फ्लोरल डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाना कि देखो आपको ये इसके जो ट्यूब है वो इस पॉइंट से दिखेगा, यानी इन दोनों के बीच में आपको एंड्रोसियम ड्रॉ करना है, ठीक है ना, दिस इज द मेन पॉइंट। नाउ बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फर्स्ट तो आपको बताया वेजिटेबल्स के मैंने कितने सारे नाम ले लिए, दूसरा आपको मेडिसिनल वैल्यू मैंने बता ही दी है। एक नाम याद रख लेना, एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, फैट भी रिड्यूस करती है, एंड काफी सारे मेडिसिन्स में, होम्योपैथी मेडिसिन्स में हम यूज करते हैं बेलाडोना का, ठीक है, तो मेडिसिनल प्लांट्स भी है इनमें। थर्ड है आपको ऑर्नामेंटल पिटूनिया, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना कौन से, काफी सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, कई सारे वीड्स भी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं
टोबैको, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, धतूरा। ठीक है, तो दीज आर ऑल द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ वी विल अगेन बी बैक विद द लिलिएसी फैमिली। होप यू लाइक इट। थैंक यू।